देश के सबसे बड़े बैंक लोन धोखाधड़ी में शुमार 34 करोड़ के DHFL मामले में CBI ने DHFL के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम में 34 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से संबंधित DHFL मामला दर्ज किया। इसे अब तक का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग ऋण धोखाधड़ी का मामला माना जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बारे में CBI की तरफ से मंगलवार को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वधावन को सोमवार शाम मुंबई से हिरासत में लिया गया और उसे मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले भी वधावन यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में जेल जा चुके हैं और बेल पर बाहर थे। दरअसल CBI ने नई दिल्ली के राव जेवेनी कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में DHFL के तब के CMD कपिल वधावन और डायरेक्टर धीरज वधावन समेत कुल 34 लोगों और 57 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इन पर 17 बैंकों के साथ फ्रॉड करने का आरोप है। CBI ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि कपिल और धीरज वधावन ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया और छुपाया, आपराधिक विश्वासघात किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके कंसोर्टियम को 34,615,00,000 रुपये का चूना लगाया। मई 2019 से ऋण भुगतान में भी लापरवाही बरती गई। चार्जशीट में CEO हर्षिल मेहता के नाम को भी शामिल किया गया है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर जो FIR दर्ज की गई उसमें कहा गया कि DHFL के कपिल वधावन धीरज वधावन जो कि डायरेक्टर हैं, उसने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों को कंसोर्टियम के साथ फ्रॉड को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची और इन बैंकों पर 42,871,42,000 रुपये कर्ज लेने को कहा। कर्ज के हिस्से की बड़ी रकम को निकालकर उसका दुरुपयोग किया गया। CBI के मुताबिक DHFL के बुक्स में हेराफेरी की गई। शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि 31 जुलाई 2020 तक बकाया रकम के 17 बैंकों के कंसोर्टियम को 34,615,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है।